हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। आज की इसकी क्लोजिंग हुई है 799.65 पे। पी रेशियो इसका बहुत ज़्यादा हाई है, जो है 340.96। सेक्टर पी से कंपेयर करते जो कि है 17.91। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप सबको पता है पैंडमिक के चलते हुए यहाँ पे IRCTC का कंपनी का जो बिजनेस था वो ऑलमोस्ट ठप हो चुका था। और उसी की वजह से कंपनी ने यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2018 से लेकर 2020 तक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया, लेकिन 2021 के अगर आप फाइनेंशियल देखते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको लॉस हुआ है। लेकिन अब जबकि ये नॉर्मलाइज हो गई सिचुएशन, तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के साथ भी यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने के लिए हमको थोड़ा बहुत इस कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 67.40% यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड 0.52%, DII 4.17, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 7.06 और रिटेल जो है वो यहाँ पे 20.86 की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे 21 फरवरी की न्यूज़ है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल है और IRCTC दोनों ने मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया है को ब्रांडेड रूपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। ये कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड अगर आप यहाँ पे IRCTC के बुकिंग के लिए अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है। 9 फरवरी की न्यूज़ की अगर हम बात करें तो IRCTC जो शेयर है इसने 3.5% की जंप लगाई है इसके Q3 रिजल्ट के आते ही। और एक साल का अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो स्टॉक है ये 60% की रैली भी आगे दिखा सकता है, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट Q3 रिजल्ट के आए हैं 208 करोड़ के, लेकिन अभी भी स्टॉक जो है ये 47% डाउन है अगर हम 52-week हाई की बात करें तो। कंपनी ने यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹2 भी डिक्लेयर किया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय ले तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इन्वेस्टर यहाँ पे बाय कर सकते हैं IRCTC को बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेते हुए, और जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने बताया है 1350 और ड्यूरेशन दिया है एक साल का। अब हम बात करते हैं IRCTC के टेक्निकल चार्ट की, तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट के बाद की जो वैल्यू है 52 वीक हाई है यहाँ पे 1276 का। अब इतनी बड़ी लंबी जर्नी करने के बाद स्टॉक जो है ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है और ये रेंज है 940 के आसपास और सपोर्ट जो है हमारा वो है 725 के आसपास। जब तक हमारा सपोर्ट इंटैक्ट है यहाँ पे 720 के आसपास, तब तक यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है। इतनी लंबी रैली यहाँ पे इसने बहुत कम टाइम में दी है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना बहुत ही जरूरी है, जो कि एक हेल्दी कंसोलिडेशन या फिर हेल्दी करेक्शन माना जाता है। जैसे ही ये स्टॉक का टाइम वाइज करेक्शन और उसी के साथ प्राइस वाइज करेक्शन जो है ये खत्म हो जाएगा, स्टॉक जो है ये यहाँ से फिर से अपट्रेंड रैली दिखा सकता है। 930 के यहाँ पे जो लेवल है ये अगर यहाँ से ब्रेक होते तो उसके बाद लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन में ये जो स्टॉक है फिर से 1000 और 1200 के लेवल्स भी दिखाने की ताकत रखता है। अब जो नए निवेशक हैं उनको अगर ये स्टॉक 720 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपना बेस बना रहा है इस लेवल के आसपास। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अपना नज़रिया रखिए और इसको अपने पोर्टफोलियो में अगर आप रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा खासा मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर ऐसी बात है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज़ बताइए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।